मुख्यमंत्री योगी ने बदल दिया बड़ा कानून, अब पुलिस सायरन सुनते ही कांप उठेगा हर अपराधी। योगी राज में अपराधियों में होगा इतना खौफ, ऑन द स्पॉट होगा न्याय। यूपी में अब सिर्फ रहेंगे मेहनती और ईमानदार लोग, गुंडों की प्रदेश में जगह नहीं। दोस्तों, यूपी कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी अपराध छोड़कर खुद थाने जाकर सरेंडर करने लगे हैं, और ये सब नजारा देखकर पुलिस भी हैरान है। खुद पुलिस के पास जाकर ना जाने कितने अपराधी अब तक ये कबूल कर चुके हैं कि आगे से अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कई नामी अपराधी तो खुद थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के पैर पकड़ रहे हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, अब हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे। छोटे मोटे अपराधी तो छोड़िए, बड़े से बड़े बाहुबलियों की अकल योगी सरकार ने ठिकाने लगा दी है। उन्हें अच्छे से समझा दिया है कि यूपी में रहना है तो बाहुबल, दादागिरी ये सब छोड़ना होगा। अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, इन सभी का क्या हाल हुआ ये सबने देखा। योगी राज में इन बाहुबलियों की दुर्गति हो चुकी है। एक दौर था जब इनका पूरा साम्राज्य खड़ा था, इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, इनकी तरफ देखने की हिम्मत ना ही शासन के पास थी और ना ही प्रशासन के पास। लेकिन यूपी में योगी के आते ही सबसे पहले इन्हीं पर नकेल कसी गई। जो मान गया वो ठीक, और जो नहीं माना फिर उसकी अवैध संपत्ति का ब्यौरा निकाला गया। फिर इन संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद किया गया। कहीं कहीं तो अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलवाया गया। अब इसी व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि सायरन की आवाज़ सुनते ही अपराधी कांप उठे। आप जानते ही हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पश्चिम यूपी की जनता को साधने की जिम्मेदारी योगी को दी जा सकती है, और इसलिए योगी ने अभी से लोगों के बीच पैठ बनानी शुरू भी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी अपने कई भाषणों में अपराध युक्त यूपी का जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने अपने सभी पुलिस अधिकारियों को ये भी नसीहत दी है कि आम जनता को बेवजह बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। तो दोस्तों, योगी जी के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।